प्रधानमंत्री मोदी जी को देश का पिछड़ा बेटा को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमने बहुत प्रयास किया। 2014 में बहुत हमने मेहनत किया भारतीय जनता पार्टी के लिए। उस समय में हमारी सामाजिक संगठन निषाद विकास संघ का नाम बैनर तले हम लोगों ने काम किया। 2015 में भी बिहार विधानसभा के समय में हम मजबूती से भारतीय जनता पार्टी और उस समय के एनडीए को मजबूती से हमने मदद किया था, लेकिन कुछ समय के लिए कुछ किसी कारण से हम दूर हुए। हमें भी काफी तकलीफ था, लेकिन हम लड़ाई लड़ रहे थे हमारे अपने सामाजिक न्याय के लिए। उस एजेंडा पे कुछ दिनों के लिए हम दूर रहे हैं और कहीं ना कहीं हम रास्ता मोड़ चुके थे। और आप सभी को पता है कि 2019 में 18 में हमने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया और 19 चुनाव के लिए 2018 में हमने महागठबंधन का पार्ट बना और हम लोगों ने मजबूती से लड़ा। और कहीं ना कहीं जिस गठबंधन में थे उस गठबंधन में रणनीति का काफी अभाव रहा, चूक रहा। वन मैन शो का एक आर्मी के जैसे डिसीजन रहता था, कब क्या बोलना कब क्या सोचना उसका कोई ठिकाना नहीं रहता था। हमें लोकसभा में बात हो चुका था कि हमें दरभंगा में लगना है, हम दरभंगा तैयारी किए, उसके बाद लास्ट मोमेंट पे हमें खगड़िया भेज दिया गया। तो ऐसे अनेकों समस्या था, लेकिन हम जैसे तैसे एडजस्टमेंट करके महागठबंधन के साथ हम थे। और परिणाम आपको भी पता है कि बिहार में मोदी जी के सामने में हम लोग टिक नहीं पाए थे, 40 में से 39 चुनाव सीट पे हम लोग हार गए। तो कहीं ना कहीं उसके बाद भी हम लोग कोशिश किए, जो हमारे गठबंधन के मजबूत साथी थे उनके साथ चलने का, लेकिन आप सबको पता है कि उन्होंने भी हमें मीठी मीठी बातें करकर और मजबूती से आगे लेके चलने का काम किया। और उनके मन में पहले से ही छल था, कपट था। और जब जब भी महागठबंधन का जब सीट अनाउंसमेंट का समय आया तो आप लोगों ने देखा किस तरीके से हमारे साथ छल करने का काम किया कि सारे सहयोगी जो 4 दिन पहले गठबंधन में आए ऐसे सहयोगी को उन्होंने घोषणा कर दिया नाम का और संख्या का, और मेरे साथ कहीं ना कहीं छल किया। एक अति पिछड़ा का मल्ला का बेटा को पीठ में खंजर भोंकने का काम किया और वहीं पे हमने डिसीजन लिया जगह पे ही कि हमारे साथ गलत हो रहा है और धोखा दिया जा रहा है। वहीं से हमने उनसे गठबंधन का नाता हमने तोड़ लिया। और हमने आप सारे साथी को भी हमने दूसरे रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने सारे जानकारी मैंने आप लोगों को दिया। आज मुझे बहुत खुशी है कि मैं जहां से मैंने अपने राजनीतिक करियर स्टार्ट किया था, सामाजिक करियर स्टार्ट किया था, आज पुनः मैं उस घर में वहां पे मैं पहुंच गया हूं। और मैं खास करके माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और हमारे भूपेंद्र जी या बिहार के हमारे मुखिया श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमें महागठबंधन में निमंत्रण मिला और मैं आज महागठबंधन का पार्ट हूँ। ये काफी हमारे लिए और हमारे अति पिछड़ा समाज के लिए खुशी की बात है। तो आज हम मजबूती से बिहार में एनडीए का पार्ट है और जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है उसको हम पूरा करेंगे। बिहार में हम नीतीश जी के नेतृत्व में उनको बिहार के मुख्यमंत्री बनाना है। और आप सभी को पता है कि बिहार में पिछले 15 साल से लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी कितने अति पिछड़े के लिए उन्होंने कार्य किए हैं, बिहार के लिए कार्य किए हैं, और उससे मैं प्रभावित हूँ और निश्चित तौर पे उनके बताए हुए रास्ते पे मैं चलूंगा। और मुझे काफी खुशी है और तमाम बिहार के अति पिछड़ा समाज निषाद समाज को भी काफी खुशी है कि आज हमें एनडीए का पार्ट मिले। और किसी ने हमारे पीठ में खंजर भोंकने का काम किया, लेकिन इस देश में हमारे पिछड़ा का बेटा प्रधानमंत्री है, उन्होंने मल्ला का बेटा को पीठ में मलम लगाने का उन्होंने काम किया, इसके लिए मैं सदा आभारी व्यक्त करूंगा। धन्यवाद। मेरा विनम्र निवेदन है बिहार के उप मुख्यमंत्री माननीय सुशील कुमार मोदी जी से कि आपको संबोधित करें। माननीय सुशील जी, माननीय अध्यक्ष जी अभी आपको संबोधित करेंगे पुनः। एनडीए गठबंधन में इस बात का निर्णय हुआ है कि हमारे जो हम पार्टी के और उनकी जो सीटें हैं वह माननीय नीतीश जी एडजस्ट करेंगे और विकासशील इंसान पार्टी और माननीय मुकेश सहनी जी को जितनी सीटें हैं वह हम अपने
कोटे से देंगे, क्योंकि यह सारे जो ये परिवर्तन हुए विजय वह दो दिनों में ही हुआ है, और दो दिन पहले ये हम सोच भी नहीं सकते थे कि कोई इस तरह की भी घटनाक्रम हो सकती है। तो इस दो दिनों में हम लोगों ने परिवर्तन हुआ, हम सबों ने यह निर्णय लिया है कि हम माननीय मुकेश सहनी जी को अपने साथ गठबंधन का हिस्सा और भारतीय जनता पार्टी अपने हिस्से की सीटों में से इनको देगी, और हमने यह निर्णय किया कि हम इन्हें 11 सीटें देंगे और भविष्य में एक विधान परिषद की भी सीट माननीय मुकेश सहनी जी को देने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने अपने हिस्से से किया। माननीय सुशील जी आपको संबोधित करेंगे। माननीय सुशील जी, मित्रों, मैं सबसे पहले श्री मुकेश सहनी जी का एनडीए गठबंधन में और भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता करने के लिए मैं अपनी ओर से बधाई देता हूं। मित्रों, जैसा कहा भी मुकेश सहनी जी ने कि कांग्रेस आरजेडी ने अति पिछड़ों के साथ हमेशा धोखा देने का काम किया है, और भारतीय जनता पार्टी है जिसने अति पिछड़ों को हमेशा सम्मान देने का काम किया है। पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 25 अति पिछड़ों को टिकट दिया था, जिसे 12 लोग जीत कर आए, और ये कांग्रेस पार्टी जो 43 सीटें लड़ी बिहार में, एक भी अति पिछड़ा को टिकट नहीं दिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, और राष्ट्रीय जनता दल ने मात्र 5 टिकट दिया और जनता दल यू ने 16 टिकट दिया। ये जो बीजेपी और जनता दल यू का जो गठबंधन है, इसने हमेशा अति पिछड़ों को सम्मान देने का काम किया है, और आपको मालूम है कि बिहार के पंचायत चुनाव में हम लोगों ने 20% का आरक्षण दिया था, और आज बिहार में अगर 1600 से ज्यादा मुखिया अगर अति पिछड़ा समाज के जीत कर आए हैं तो ये एनडीए गठबंधन की देन है। और राष्ट्रीय जनता दल ने तो 23 साल तक बिहार में चुनाव ही नहीं कराया पंचायत का, और अति पिछड़ों के हक को उन्होंने मारने का काम किया है। और ये कांग्रेस पार्टी को तो पिछड़ों से कोई मतलब ही नहीं है, काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को इन्होंने लागू नहीं किया, ठंडे बस्ते में डाल दिया। मुंगेरी लाल कमीशन की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया, इन्होंने बिहार में लागू करने का काम नहीं किया। श्री मित्रों, मुझे खुशी है कि श्री मुकेश सहनी, ये केवल निषाद की जो 10 से ज्यादा उपजातियां हैं, बिंद, मल्ला, गोड़ी, तियर, चाई, ये केवल उसी के नेता नहीं है, ये जो अति पिछड़ा समाज बिहार का, जो बिहार की कुल आबादी का 40% से ज्यादा है, ये उस समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और अति पिछड़ा समाज को आश्वस्त करना चाहते हैं। अब ये टिकटों की लिस्ट जारी हो रही है, हमारा गठबंधन बिहार में सर्वाधिक सीटें जो हैं अति पिछड़ा समाज की सभी उपजातियों को बिहार के अंदर देने का काम करेगी। दूसरे मित्रों, प्रधानमंत्री जी जब बने 2014 में, तो बिहार के अति पिछड़ों की बहुत बड़ी भूमिका थी, और इसलिए मुकेश सहनी के इस गठबंधन में आने से ये गठबंधन और मजबूत हुआ है। तो जहां महागठबंधन से एक एक करके लोग बिछड़ते जा रहे हैं, अलग होते जा रहे हैं, आज झारखंड मुक्ति मोर्चा भी अलग हो गया, हम अलग हो गया, वीआईपी पार्टी अलग हो गई, आरएलएसपी अलग हो गया, एक समय में नीतीश कुमार थे वो भी अलग हो गए, लेकिन आज ये जो हमारा एनडीए गठबंधन है, आज इसमें 4 बिहार के प्रमुख दल जो हैं इसमें शामिल है, और मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हम बिहार में फिर से एक बार 3/4 बहुमत से और सरकार बनाएंगे। मैं फिर से एक बार श्री मुकेश सहनी जी को इस गठबंधन में शामिल होने के लिए, अपनी ओर से इनके पूरे समाज को, अभी सारे अति पिछड़ा समाज को, मैं इसके लिए बधाई देता हूं और अपनी शुभकामना देता हूं। मित्रों, विकास की उस धारा का परिचय भी देवेंद्र फडणवीस है, और बिहार में विकास की लड़ाई है। मेरा सादर अनुरोध है, तो अब सीधे हम आपसे कुछ कम सवाल ले पाएंगे, क्योंकि अभी चुनाव का समय है,
और मीटिंग है, तो मेरा भी विनम्र निवेदन है कि कुछ कम सवालों के साथ ही यहाँ प्रेस हो पाएगा। मनीष जी, देवेंद्र जी, जो लोग आपकी पार्टी से रिपेन करके लोजपा के टिकट से लड़ रहे हैं, तो उनको आप मान मनोबल करेंगे या उनको आप पार्टी से निकालेंगे? देखिए, बिल्कुल साफ शब्दों में जो हमारे एनडीए गठबंधन से लड़ेगा वो हमारा, जो एनडीए गठबंधन के बाहर किसी भी पार्टी से लड़ेगा वो हमारा नहीं। इसलिए जरूर एक बार ये प्रयास तो होता ही है कि उनको समझाए कि भाई गलती मत करिए, लेकिन जो गलती करते हैं उनको मैं नहीं मानता कि हम लोग स्पेयर कर सके। और कोई प्रश्न? सर, आप मुकेश सहनी जी, जब आप महागठबंधन में थे, पर्चे पर दीजिए, पर्चे कहाँ से? मेरा नाम आमिर है, डेमोक्रेटिक चरखा से। आप जब महागठबंधन में थे तो आप उप मुख्यमंत्री की डिमांड थी आपकी, तो अभी उप मुख्यमंत्री एनडीए में कौन बनेगा? सुशील कुमार मोदी जी तो बन रहे हैं, आप बने? देखिए, जिस गठबंधन में मैं था उनका अगर सरकार बनता तो मेरे बदौलत बनता, तो इसलिए वहां पे हमारी डिमांड था कि अगर सरकार बनेगा तो निश्चित तौर पे अति पिछड़ा का बेटा वहां पे उप मुख्यमंत्री बने। लेकिन यहां पे मैं मानता हूं कि माननीय नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पे यहां पे सरकार बनेगा। हम तो एक सहयोगी हैं और हमें तो बहुत खुशी है कि किसी ने हमें खंजर भोंका है और किसी ने हमारे पीठ में मलहम लगाने का काम किया है। तो यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, मैं एनडीए का पार्ट हूँ और एनडीए में आने वाले समय में सरकार बने या जहाँ पे भी जो भी जवाबदेही हमें मिलेगा वो जवाबदेही को निर्वाह करेंगे। धन्यवाद। मुकेश सहनी जी, कुछ दिन पूर्व आपने कहा था कि एनडीए के नेतृत्व में कहले कि मलाह समाज गठ में जा रहा है, कई तरह की समस्याएं उनके साथ, जो कि एनडीए कभी उनको बेहतर नहीं कर सकता, महागठबंधन नहीं कर सकता। आज आप एनडीए के हिस्सा हो गए और आप कह रहे हैं कि अब एनडीए में रह के निश्चित तौर पे ये हमें लग रहा था लेकिन आप लोगों को तो सामने समक्ष में वो दिखाना किस तरीके से पीठ में हमें खंजर भोंकने का काम किया। और जब मुझे ऐसा कर चुका है तो फिर हमारे समाज का क्या होगा? तो हमने पहले भी हमने कह चुका है ना कि हमने 2014 में भी 15 में भी हम एनडीए का पार्ट रहे और उसके बाद कुछ ही दिनों के लिए हम दूसरे रास्ते पे कह सकते हैं कि भटक गए थे, लेकिन अभी मुझे लगता है कि अपने सही जगह पे हम आए हैं। अब मुझे पूरा भरोसा है कि अति पिछड़ा का बेटा देश का प्रधानमंत्री है और जो हमारी लड़ाई है, खास करके निषाद समाज का जो आरक्षण की लड़ाई है, निश्चित तौर पे हम माननीय प्रधानमंत्री जी को हाथ को मजबूत करते करते हम चाहेंगे कि अब हमारे जो समाज है उनको मजबूती का प्रदान कराए। देवेंद्र जी या सुशील जी, आपसे कोई भी जवाब दे दें सर, कि जब प्रधानमंत्री पूरे देश के होते हैं, आप लोग भी ये कहते हैं कि पार्टी के नहीं देश के होते हैं, तो उनके चेहरे को लेकर के आप लोग क्यों कह रहे हैं कि कोई और पार्टी नहीं लगा सकती? अगर कोई पार्टी लगाती है तो आप लोग को क्या भय है कि इससे क्या नुकसान? भय की बात थोड़ी, ये चुनाव हो रहा है ना, हमारे पार्टी के उम्मीदवार थे तब प्रधानमंत्री बने, तो अगर कोई दूसरा व्यक्ति उनके नाम पर वोट कैसे मांग सकता है? वो भारतीय जनता पार्टी के ही कारण है प्रधानमंत्री है, इसलिए इसमें कोई भ्रम किसी को नहीं रहना चाहिए। और जैसा देवेंद्र जी ने स्पष्ट किया है, मनाने पर नहीं मानेंगे तो वैसे सारे लोगों को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। इसे कोई कभी बनेगा, कोई इफ एंड बट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, पूरी तरह से एनडीए गठबंधन एकजुट है और हम नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार का चुनाव लड़ेंगे। इसलिए कोई अगर रेबेल होकर लड़ता चुनाव तो वह पार्टी से निष्कासित माना जाएगा। अति पिछड़ा समाज में से मैक्सिमम बड़ा एक धारा पहले से एनडीए में जुड़ा हुआ रहा, हमारे साथ कुछ हमारे निषाद समाज के सभी उपजाति हमारे साथ मजबूती से थे और जब मैं एनडीए में आ चुका हूँ तो निश्चित तौर पे पूरा का पूरा बिहार का अति पिछड़ा 128 जाति तमाम सारे लोग एनडीए के हाथ को मजबूत करेंगे। मेरा साधन अनुरोध है, प्लीज प्लीज एक मिनट, एक मिनट रुकिए, मेरा अनुरोध है अध्यक्ष जी से, एक मिनट अध्यक्ष जी। आज इस सभागार में हम लोगों के बीच में उपस्थित
बिहार प्रभारी और स्पष्ट कर दूं कि हमारे 40 स्टार प्रचारक हैं और हमारा नंबर वन स्टार प्रचारक माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं है और भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों का उपयोग केवल एनडीए के ही गठबंधन दल के लोग कर सकते हैं, वही जो हमारे गठबंधन दल के सहयोगी है वही कर सकते हैं, उसके बाहर अगर कोई भी प्रयोग करेगा तो उस पर भारतीय जनता पार्टी एफआईआर लॉन्च करेगी। आप सब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया।